subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary. And in this video, I am going to discuss about the pharmacology of ethambutol and the pyrazinamide, and that are another first line drug of anti-tuberculosis. So let's start the topic. So अगर हम बात करें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की, तो फर्स्ट लाइन ड्रग में पांच ड्रग होते हैं, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बिटॉल, पाराजिनमाइड और आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन। बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन की, तो वो आपका एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि हमने पिछले स्टूडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बात करें हम इस क्लास के ड्रग की, मीन्स एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की, तो उसमें जो दो ड्रग हैं आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन, उसके बारे में ही डिटेल फार्माकोलॉजी हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बना चुके हैं। सो कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोस बाय यूजिंग दिस लिंक और यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो सारे वीडियोस के लिंक हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेट होगा, उसको हमने लिंक दे दिया है, ताकि आपको इजीली फाइंड आउट कर सकें उन वीडियो को। नाउ कम टू द टॉपिक। तो बात करें आज की वीडियो की, तो वो है आपका पाराजिनमाइड और थंबिटॉल के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में। सो पाराजिनमाइड इज केमिकली सिमिलर एज आइसोनियाजाइड एंड मैकेनिकली और मोड ऑफ एक्शन इज ऑल्सो सिमिलर एज आइसोनियाजाइड एंड इट वॉज डेवलप्ड इन द 1952, जिसका जो डिस्कवरी है वो 1952 पे हुआ था। और केमिकली बात करें या फिर उसकी बात करें मोड ऑफ एक्शन की, तो सिमिलरली होता है आइसोनियाजाइड की तरह, मतलब ये भी आपके माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इंटरफेयर करता है, उसको इनहिबिट करता है। बात करें इसके स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन की, सो दिस ड्रग मीन्स पाराजिनमाइड आपके माइकोबैक्टीरिया पे इंटर करता है। माइकोबैक्टीरिया पे इंटर करने के बाद जो माइकोबैक्टीरिया पे एंजाइम्स हैं, खासकर आपके पाराजिनामिडेज, तो पाराजिनामिडेज एंजाइम के प्रेजेंस में, जो कि आपका PNCA जीन इस एंजाइम को इनकोड करता है, मतलब माइकोबैक्टीरिया पे जो है आपका ये जीन PNCA जीन इस एंजाइम को बनाता है पाराजिनामिडेज, एंड दिस एंजाइम इज फर्दर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ पाराजिनामाइड इनटू द पाराजिनोइक एसिड, एंड इट इज़ ए एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ दिस ड्रग। तो ये जो पाराजिनोइक एसिड है, ये आपका एक्टिव मेटाबोलाइट है इस ड्रग का। इसकी जो एक्टिविटी है वो आपके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के लिए होती है, और ये जो आपका एक्टिव मेटाबोलाइट है, फर्दर इट इनहिबिट द माइकोलिक एसिड सिंथेसिस एज वेल एज इट आल्सो इंटरफेयर विद द डिस्टर्ब द माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका जो माइकोलिक सिंथेसिस का पाथवे का जो इनहिबिशन है, वो डिफरेंट होता है आइसोनियाजाइड से, सिमिलर नहीं होता। उसके पाथवेज अलग होते हैं, इनकी पाथवेज अलग होते हैं, लेकिन दोनों ही ड्रग आइसोनियाजाइड और पाराजिनामाइड जो है माइकोलिक सिंथेसिस को कम करता है, जो कि आपका सेल मेम्ब्रेन का मेन कंटेंट है माइकोबैक्टीरिया के केस में। सो दिस इज द बेसिक मोड ऑफ एक्शन ऑफ पाराजिनामाइड। नाउ कम टू द अदर एक्शन ऑफ पाराजिनामाइड। तो बात करें हम पाराजिनामाइड की, तो बेसिकली इट हाईली एक्टिव इन द एसिडिक मीडिया और एसिडिक पीएच। तो कहीं की जो एक्टिविटी है वो आपके एसिडिक मीडिया पे अधिक होती है, अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू द बेसिक मीडिया जो। और इसका जो मेन एक्शन है वो आपका होगा इंट्रासेलुलर बेसिली पे, इट कॉज द लीथल और इट किल्स द इंट्रासेलुलर माइकोबैक्टीरियम बेसिली इन द एसिडिक मीडिया। अब बात करें इसकी एक्टिविटी की, तो कहीं ना कहीं इसकी जो एक्टिविटी है वो आपके आइसोनियाजाइड से कम होगा, लेकिन इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो एसिडिक मीडिया पे अधिक होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इट्स हाईली इफेक्टिव ड्यूरिंग द फर्स्ट टू मंथ ऑफ थेरेपी, जो इनिशियल के टू मंथ हैं थेरेपी के। हम बात करेंगे अगर थेरेपी के रेजिमेन के बारे में, जो सिक्स मंथ के होती हैं, एट मंथ के होती हैं, तो उनके किस्म जो शुरुआत के दो मंथ हैं उसमें ये हाईली इफेक्टिव होता है। और एंड बाई एडिंग द जेड मीन्स बाई एडिंग द पाराजिनामाइड, ड्यूरेशन एंड चांस टू रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन इज डिक्रीज्ड। तो कहीं ना कहीं अगर हम पाराजिनामाइड को हम थेरेपी पे रेजिमेन पे ऐड करेंगे, तो जो आपका ड्यूरेशन है आपके ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी का, वो भी कम होगा, साथ साथ जो रिलैप्स का चांस है, दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, वो भी कम हो जाएंगे। एंड नाउ कम टू द रेजिस्टेंस। सो बेसिकली PNCA जीन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ पाराजिनामिडेज, एंड दिस पाराजिनामिडेज फर्दर कॉज द मेटाबॉलिज्म ऑफ पाराजिनामाइड इन टू द पाराजिनोइक एसिड दैट इज एक्टिव मेटाबोलाइट। तो कहीं ना कहीं आपके जो माइक्रोबैक्टीरिया सेल्स के अंदर में जो PNCA जीन है, उसके म्यूटेशन होने के कारण वो जो बैक्टीरियाज हैं वो फर्दर आपके पाराजिनामिडेज प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उससे जो मेटाबॉलिज्म है पाराजिनामाइड का वो नहीं हो पाता है, और फर्दर एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से जो आपका माइक्रोबैक्टीरिया है वो इस ड्रग से रेजिस्ट हो जाते हैं, मीन्स रेजिस्टेंस ड्यू टू मेनली
म्यूटेशन ऑन द पी एन सी ए जीन. कम टू द फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ द पैराजिनामाइड एंड इट इज़ ए ओरल एक्टिव ड्रग, मीन इसको हम ओरली ले सकते हैं, ये ओरल रूट से भी एब्जॉर्ब प्रॉपरली होता है एंड इट हैज़ अ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टिश्यू एंड द फ्लूड इंक्लूडिंग द सी एस एफ, देयरफॉर इट इज़ हाईली यूजफुल इन द मेनिंजियल ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, क्योंकि ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छी होती है, इजीली टिश्यू पे क्रॉस कर सकता है, आपके ब्लड में बिल्कुल क्रॉस कर सकता है, तो इसलिए जो है इसको हम आपको मेनिंजियल टीबी के केस में भी हम दे सकते हैं जो कि हाईली यूजफुल होगा. एंड इट इज़ मेनली मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन, एंटी हाफ होता है आपका 6 to 10 hours, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड नाउ कम टू द मेजर एडीआर ऑफ दिस ड्रग, इट हैज़ अ हेपेटोटॉक्सिक इफेक्ट, मीन्स इट शोज द हेपेटोटॉक्सिसिटी, मीन्स लीवर डैमेज, तो यानी कि आपको लीवर को डैमेज कर सकता है. एंड इट इज़ मोर कॉमन इन द वेस्टर्न कंट्री नॉट इंडियन, हमारे इंडियन पे ये जो है उतना आईडीआर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन पर मैगजीन देखा जाता है कि वो ये जो ड्रग है पैराजिनामाइड वो आपकी लीवर को डैमेज कर सकता है. एंड इट इज़ ऑल्सो हाइपर यूरेसीमिया, इट मे कॉज हाइपर यूरेसीमिया, मीन्स इट मे इंक्रीज द यूरिक एसिड इन द ब्लड एंड मे कॉज गाउट, तो कहीं कहीं गाउट में भी, गाउट को भी कॉज कर सकता है. इसलिए गाउट पेशेंट्स हैं या लीवर डैमेज पेशेंट्स हैं उन पे ये यूज़ नहीं करते हैं. लेकिन बात करें हम प्रेगनेंट कंडीशन पे, प्रेगनेंट कंडीशन भी ये सेफ ड्रग होता है. अभी कुछ नए गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से जो है आपका पैराजिनामाइड और एथाम्बिट्राल दोनों ही प्रेगनेंसी केस में सेफ ड्रग हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड बात करें इसके यूज़ की, तो बेसिकली इसका जो यूज़ है वो ट्यूबरक्लोसिस में ही होता है, दूसरे माइकोबैक्टीरिया को उतना अफेक्ट नहीं कर पाता, ये केवल इसी ट्यूबरक्लोसिस को ही किल कर सकता है या उसको ही ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है. नाउ कम टू द एथाम्बिट्राल, तो बात करें हम एथाम्बिट्राल की, तो ये भी एक तरीके से एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है और मेनली इसमें एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी में ही हम करते हैं. एंड इट इज़ हाईली एक्टिव अगेंस्ट द फास्ट मल्टीप्लाइंग फास्ट ग्रोइंग बेसिली ट्यूबरक्लोसिस बेसिली, एंड इट हैज़ ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट मैक, मीन्स माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स एंड अदर माइकोबैक्टीरिया, तो बहुत सारे अदर माइकोबैक्टीरिया के अगेंस्ट में भी ये काम करता है, ये एक्टिव होता है, लेकिन मेनली यूज उसका एंटी टीबी के रूप में ही यूज़ करते हैं. बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो इट इनहिबिट्स द एल्बिनोसाइल ट्रांसफरेस एंजाइम दैट इज इनकोडेड बाय द ईएमबी एबी जीन विथ इन द माइकोबैक्टीरियल सेल एंड दैट इन्वॉल्व्स द, मीन्स दिस एंजाइम इन्वॉल्व्स द एल्बिनोग्लेक्टॉन सिंथेसिस एंड thereby इंटरफेयरिंग विद द माइकोलिक एसिड इंटरपोशन विद द माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल. तो बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो ये जो आपका ड्रग है एथाम्बिट्राल वो एक एंजाइम एल्बिनोसाइल ट्रांसफरेस एंजाइम को इनहिबिट करता है जो कि आपके माइकोबैक्टीरिया के अंदर में ईएमबी एबी जीन के थ्रू बनता है. इस एंजाइम के इनहिबिट होने के कारण जो आपका एल्बिनोग्लेक्टॉन सिंथेसिस है वो कम हो जाता है, वो कम होने के कारण जो सेल वॉल का कंटेंट है, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, उस पर माइकोबैक्टीरिया भी जो है प्रॉपरली कॉर्पोरेट नहीं हो पाता और अल्टीमेटली जो सेल वॉल्स हैं वो प्रॉपरली फॉर्मेशन नहीं हो पाता और इजिली सेलासिस हो सकता है. सो दिस इज द बेसिक मोड ऑफ एक्शन ऑफ एथाम्बिट्राल. नाउ कम टू द रेजिस्टेंस, बात करें रेजिस्टेंस की, चाहे वो रिफाम्पिसिन हो, चाहे आपका एथाम्बिट्राल हो, चाहे आपका पैराजिनामाइड हो या आइसोनियाज़िड हो, इसको हम एलोन लेंगे तो जो रेजिस्टेंस हैं डेवलप जल्दी होते हैं, रेपिडली होते हैं, इसलिए कहीं भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को हम सिंगल ड्रग थेरेपी यूज़ नहीं करते, हम फिक्स डोज थेरेपी या मल्टीपल ड्रग थेरेपी ही यूज़ करते हैं, हम ड्रग को कॉम्बिनेशन में ही लेते हैं ताकि जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम हो सके. बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस इज मेनली कॉज्ड बाय म्यूटेशन ऑन द दिस जीन, मींस ईएमबी ए जीन, तो इस जीन के म्यूटेशन होने के कारण ही ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं. ये जीन बेसिकली एल्बिनोसाइल ट्रांसफरेस एंजाइम बनाता है, ये एंजाइम ही नहीं रहेगा तो आपका ड्रग काम नहीं कर पाएगा. नाउ कम टू द फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ एथाम्बिट्राल एंड इट इज ए ओरल एक्टिव, मैक्सिमम 3/4 पार्ट ऑफ द ड्रग इज orally absorbed and it is widely distributed in the tissues and the fluids and it crosses the blood-brain barrier CSF etc. and approximately half ethambutol means हम लेंगे तो 50 mg जो ड्रग है वो easily metabolized by the liver and excreted through the urine by the glomerular filtration and the tubular secretion and other metabolites or other drugs are excreted by the feces. okay, feces के through भी ये निकलता है and t-half is approximately 4 hours. एंड नाउ कम टू द एडीआर, तो बेसिक एडीआर ऑफ एथाम्बिट्राल इज द ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी, इट मे कॉज विजुअल डिस्टर्बेंस, इट लॉस द इट मे कॉज लॉस इन द विजुअल एक्टिविटी एंड कलर विजन एंड इट ऑल्सो कॉज फील्ड डिफेक्ट्स ड्यू टू द रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस.
तो ये आपके रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस की भी कॉज करता है, जिसकी वजह से आपकी जो विजुअल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। दिस द बेसिक थिंग्स ऑफ एथाम्बिटॉल। नाउ कम टू द ट्रीटमेंट रेजिमेन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। तो हम बेसिकली दो रेजिमेन यूज़ करते हैं, जो WHO गाइडलाइंस हैं 2010 का, उसके अनुसार जो है रेजिमेन तय किया गया है, जिसको हम जितने फर्स्ट लाइन ड्रग हैं उसको हम डेली डोज हम देते हैं कुछ फिक्स्ड mg पर kg डोज के हिसाब से। फॉर एग्जांपल की बात करें INH मीन्स आइसोनियाज़िड को हम बेसिकली 5 mg पर kg डोज यूज़ कर सकते हैं। 5 mg पर kg मतलब अगर आपका वेट 1 kg है तो 5 mg देंगे, अगर आपका वेट 50 kg है तो 5 × 15 × 5 मतलब 250 mg हम दे सकते हैं। बात करें रिफाम्पिसिन की तो उसका डोज है 10 mg पर kg, पाइजेनामाइड 25 mg पर kg, इथाम्बिटॉल 15 mg पर kg एंड एस्ट्रोमासिन 15 mg पर kg। लेकिन ये जो डोज है वो 50 ईयर के पहले के लिए है, अगर आपका जो एज है 50 ईयर से बाद होगा तो इसका खासकर एस्ट्रोमासिन का डोज है वो चेंज हो सकता है, मैक्सिमम हम उसको 0.75 ग्राम ही दे सकते हैं। एंड नाउ कम टू द अदर रेजिमेन, एंड फॉर द न्यू पेशेंट्स और फॉर द प्रीवियसली ट्रीटेड ट्यूबरक्लोसिस और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, एंड दैट इज गिवन बाय द RNTCP मींस रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम एंड गाइडलाइंस गिवन बाय द RNTCP। तो इसके हिसाब से जो है 6 महीने का 8 महीने का जो ड्यूरेशन है वो फिक्स किया गया है। तो इस इनिशियल फेज में और कंटिन्यूस फेज में, दो फेज में हम ड्रग को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो इनिशियल फेज में है वो आपका न्यू पेशेंट्स हैं जिनको कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे पेशेंट को हम 2 मंथ जो है HRZE यूज़ करते हैं सिंगल डोज। HRZE मीन्स आइसोनियाज़िड, R मीन्स रिफाम्पिसिन, Z मीन्स पाइराजिनामाइड, E मीन्स इथाम्ब्यूटाल। जिसका हम फर्स्ट 2 मंथ ये यूज़ करते हैं, फिर नेक्स्ट जो 4 मंथ है आने वाले उसमें हम HRE यूज़ करते हैं, मीन्स आइसोनियाज़िड, रिफाम्पिसिन और इथाम्ब्यूटाल यूज़ करते हैं। तो टोटल जो ड्यूरेशन है कितना हो गया, 4 और 2 6, तो 6 मंथ का हम ये प्रोटोकॉल या ड्यूरेशन है वो चलता है। बात करें अगर प्रीवियसली ट्रीटेड पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट की, जिनको ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है, उनको जो हम ऑलरेडी पहले ट्रीट कर चुके हैं उनको दोबारा हुआ, तो उन पेशेंट पे जो है हम 2HRZES यूज़ करते हैं पहले 2 मंथ के लिए। 2 मंथ के लिए हम आइसोनियाज़िड, रिफाम्पिसिन, पाइजेनामाइड, इथाम्ब्यूटाल और एस्ट्रोमासिन 5 ड्रग को हम यूज़ करते हैं। फिर जो नेक्स्ट मंथ है 3rd मंथ है उसमें हम HRZE यूज़ करते हैं, उसमें एस नहीं करते। फिर आने वाले 5 महीने बाद मतलब 3 महीने के बाद जो 5वां महीना है 4th महीना है, वहाँ से कंटिन्यू 5th मंथ जो है 5 महीने के लिए हम इसको HRE यूज़ करते हैं। कुल हो गया 5 2 1 3 मतलब 8, तो 8 महीने का प्रोटोकॉल है ये। तो ये आपके कुछ रेजिमेन हैं जिसको हम फॉलो करते हैं TB थेरेपी के लिए। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट बेसिक पॉइंट्स, फार्माकोलॉजिकल पॉइंट्स ऑफ द पाइराजिनामाइड एंड द एथाम्ब्यूटॉल एंड फॉर ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी। दीज आर द रेजिमेन। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फीडबैक बाय ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड इन माई अपकमिंग क्लास आई विल डिस्कस द कैंसर, ओके, इन द फार्माकोलॉजिकल लेक्चर। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।